बियास, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम स्पेशल तहारी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए चाहिए हमें इंग्रेडिएंट्स। मैंने 3/4 kg राइस लिए है, जो मैंने आधा घंटा पहले धोकर अच्छे से पानी में भिगो कर रखा है, और 1/2 kg मटन लिया है, और हमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर चाहिए, और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और उसे एक आलू में 4 टुकड़े कर लिए हैं, और दही 100 ml के करीब है, और 2 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का, और 2 बड़े प्याज को मैंने फाइनली कट कर लिया है। और मसालों में हमने रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, मैंने ही घर पर बनाया है, और ये खड़े मसाले, थोड़े से मैंने खड़े मसाले बिल्कुल कम लिए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम गैस को ऑन कर लेंगे और इस मटन को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा हम मटन में थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, उसमें प्लेन मटन नहीं होना चाहिए, तभी हमारी तहारी अच्छे से बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 या 1.5 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे, क्योंकि जब मटन पकता है तो कुकर के ऊपर से आ जाता है, ऑयल डालने से के ऊपर नहीं आएगा। देखिए, अब हम इसका लिड लगाकर अच्छे से 1-2 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। हम सिर्फ 60% तक ही मटन को पकाएंगे, फुल नहीं पकाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। मैंने कुकिंग ऑयल सनफ्लावर ऑयल लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें खड़े मसाले और प्याज डालेंगे। ये मैं 2 साइड इसलिए कर रही हूँ कि हमारी तहारी झटपट से बन जाए, वरना हम इसमें प्याज जब ब्राउन होगी तब डालेंगे तो वो इतने अच्छे से हमारा मटन सॉफ्ट नहीं होगा। पहले हम इधर साइड कुकर में मटन को रख लिया है और इधर हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा बघार है। ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और तहारी भी झटपट से बनेगी। जब तक हमारा इधर 1-2 सीटी आती है, जब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जितने बिल्कुल थोड़े से खड़े मसाले लिए, और खड़े मसालों को जलना नहीं चाहिए, तुरंत हम प्याज डाल देंगे। प्याज हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को तलने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना दूसरे चीज़ों में इतना वक्त नहीं लगता, प्याज को ही ब्राउन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चलिए, जब तक हमारी ये प्याज ये हो रही है, ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए, तब हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। देखिए, अब हमारा की विजिल हो रही है, बस हमें 2-3 ही विजिल लेना है। यहाँ पर हमने हमारी प्याज भी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए, अब हम इसे अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन चला जाए। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, जो 100 ml है। हम दही को भी अच्छे से भून लेना चाहिए। ये हमारा 1 कटोरी दही है, लगभग 100 ml जितना, उसको अच्छे से हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। पहले फर्स्ट हम टमाटर डाल रहे हैं, उसके बाद आलू भी हम साथ में ही डाल देंगे, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हमारा मटन तो कुकर में सॉफ्ट हो गया है, ये
ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसमें पानी वगैरह डालने की अभी जरूरत नहीं है। सभी मसाले इसमें जब हम डाल चुके हैं होंगे तब हम उसमें पानी डालेंगे। अभी हम उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये 2 बड़े टीस्पून है। हरी मिर्चें हमने थोड़ी सी ली है, इसीलिए मिर्च का पाउडर हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ये लाल मिर्च हम इसमें डाल लेंगे। देखिए हमारे टमाटर और आलू थोड़े से गल चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। मैंने इसमें पानी और नमक कुछ नहीं डाला था। देखिए हमारा 50-60% गल गया है गोश्त, तो बाकी का हम जब इसमें ऐड करेंगे तो पूरे से अच्छे से हो जाएगा। पहले ही हम उसे सॉफ्ट कर लेंगे तो टूट जाएगा। और एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था लेकिन फिर भी मटन का पानी इतना सारा है। अब इसको भी हम जो हम मेजर करते हैं ना, इसका भी हिसाब हम सही उसमें ऐड कर लेंगे, वरना हमारा पानी ज्यादा हो जाएगा, खुले खुले चावल नहीं बनेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसे अच्छे से पकना है। हमने नमक भी नहीं डाला था इसमें। जब भी हम पकाते हैं मटन को उसमें स्टार्टिंग में ही नमक नहीं ऐड करते हैं, वरना वो अच्छे से नहीं गलेगा। देखिए इधर मैंने जितना पानी इसको राइस को लगता है हमारे इतना इधर गर्म होने के लिए रखा है, और ये इसलिए रखा है कि हमारी तहारी झटपट से बन जाए। अगर हम ये मटन जब रेडी होगा तब तो इसमें पानी डालेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पानी को बॉईल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके घर में जल्दी से कोई मेहमान आ गए तो आपको जल्दी से तहरी अगर बनानी हो तो आप जल्दी से बना सकते हैं। इस तरीके से हमने जब तक कुकर की गैस निकलती है तब तक इधर हमने पानी गर्म के लिए रख लिया और इधर मसाला भी भून रहे हैं। देखिए अब हम इसमें नमक डालेंगे। पहले स्टार्टिंग में हमने इसमें बिल्कुल भी ना मटन में डाला था ना मसाले में नमक डाला था, अब इसमें हम नमक। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वो भी डाल दूंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी तहारी। हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं तहारी को, इसीलिए मैं ज़्यादा तहारी बनाती हूँ और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। देखिए इधर हमारा पानी भी पक रहा है और इसमें मसाले में 1/4 glass पानी है, इसको भी हम मेजर करेंगे। ये 1/4 glass और इसमें हमने जितना लगता है उसमें 1/4 glass कम कर लेंगे पानी, जितना हमें चाहिए। हम अगर मेजरमेंट मैं आपको सही से बताऊं तो 1 glass अगर आप चावल लेंगे तो 1.5 glass, अगर आपके चावल नए हैं तो सिर्फ 1.5 glass लगेगा, वरना आपको 1 glass + 1/4 glass 1 glass के लिए लगेगा। ये करेक्ट परफेक्ट मेजरमेंट है हमारे राइस को खुले खुले बनाने के लिए। देखिए सब हरे मसाले अच्छे से भून रहे हैं। अब ये पानी पक रहा है, मसाले भी हमारे पक चुके हैं, इसमें पानी में डालूंगी।
से निकाल कर पूरे चावल डालेंगे। पूरे चावल डाल के इसमें पूरे अच्छे से पका था, थोड़ी देर अच्छे से पकेंगे और इसे फ्लेम को हमने हाई रखा तो हमारा परफेक्ट है, पानी इतने चावल के लिए इतना बराबर हो जाएगा। और अब इस टाइम पे हमें थोड़ा सा फूड कलर डालना है। मैं आपको बताना इंग्रेडिएंट्स में भूल गई थी, देखिए इतना सा हमें कलर डालना है, फूड कलर है ये वाला फूड कलर, और थोड़ा लेमन जूस डालेंगे। मैंने एक लेमन लिया है, देखिए बीच बीच में हम नीचे से अच्छे से हिलाएंगे वरना नीचे चावल लग जाएंगे। कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पर मैं और एक टिप दूँ, अगर जो जिन्हें इतना मेजरमेंट का अंदाज़ा नहीं है, तो जो हमने बॉईल करके पानी रखा था, अगर इसमें कम पड़ जाए पानी, तो बॉईल करके जो रखा था वो पानी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि हमारे चावल अच्छे से हो जाए। देखिए इसमें तो पानी हमारा करेक्ट है मेजरमेंट, अगर किसी को भी अगर मेजरमेंट में कुछ कमी हो जाए, चावल कच्चे रह जाए, तो जो गर्म पानी है वो डाल सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी इसमें डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे जब तक हमारे चावल दम ना हो जाए। देखिए हमने 2 या 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे रेस्ट होने के लिए 10 या 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, वरना हमारे चावल इतने अच्छे से दम नहीं होंगे अगर हम जल्दी खोल देंगे। अब मैं फिर आपको 15 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए हमारी तहरी कितनी परफेक्ट बनी है और चावल भी कितने खिले खिले बने हैं, देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है। आप भी घर पर बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू।